काफ़ी अच्छा है, फिल्म में चारों तरफ से सब कुछ है। अच्छा, सबसे अच्छा उनका कौन सा अवतार आपको लगा, एंग्री यंग मैन वाला या? जी हाँ, आदि पुरुष का धमाकेदार ट्रेलर देखने को मिल रहा है। ट्रेलर 2 बहुत ही जबरदस्त सीन्स वगैरह देखने को मिल रहा है। आप देखिए, फिर से कई सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं और VFX के मामले में तो मैं कहूँगा वाकई में एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बेहतर ही देखने को मिल रही है। इवन डिसअपॉइंटमेंट देखने को अब नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं मैं कहूँगा फिल्म के लिए बहुत ही बढ़िया बात, एक रिलीज़ की डेट बिल्कुल नज़दीक आ चुके और ऐसे में फिल्म के लिए सारी चीज़ें पॉजिटिव हो रही है। मेरे नज़रिए से ट्रेलर 2 भी पॉजिटिव ही है, काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। दूसरे डायलॉग्स भी सुनने को मिल रहा है काफ़ी अच्छे, जिस प्रकार से वॉइस ओवर सुनने को मिल रहा है शरद केलकर, उनकी आवाज़ में मज़ा आ जाता है। मतलब प्रभास जो उनकी डबिंग कर रहा है इसलिए तो वो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। प्रभास का कैरेक्टर भी देखने को लग रहा है, हालांकि उतना ज़्यादा क्लियरली प्रभास को भी नहीं दिखाया जा रहा है, उतना ज़्यादा खुल के वैसे तरीके से नहीं समझ पा रहे हम। जिस प्रकार से प्रभु श्री राम का किरदार देखने को हमने रामायण में देखा है, उसके लिए तो हमको फिल्म को ही जाके इन्जॉय करना पड़ेगा। लेकिन जो पूरी तरीके से क्रिएट किया जा रहा है, जो सीन्स वगैरह देखेंगे, वहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ वो पानी बह रहा है, वो चल रहा है, जो वो पहाड़ों के पास से जा रहे हैं और वो वहाँ से चलते हुए जा रहा है, जब मतलब वो पूरी जो सेना है जब वो श्रीलंका की तरफ जाने लगती है वो ढूंढते हुए, वो सारी मतलब ये बहुत ही गजब के सीक्वेंसेस देखने को मिलने हैं, बहुत ही गजब के सीन्स होने वाले। क्योंकि अगर आप देखें तो कहानी में मेनली क्या देखने को मिलेगा, वो शुरू में ही हरण हो जाएगा, सीता जी का हरण हो जाएगा, वो हो जाएगा, फिर वो वहाँ रावण चला जाएगा तो मेनली, और फिर एंड में फाइट होगी जो हम जानते हैं वही होगा। लेकिन पूरी मेन कहानी तो वो जर्नी वाली है जो वहाँ अयोध्या से लेकर श्रीलंका तक जाने वाली है, तो वो जो स्ट्रगल और वो सब कुछ है वही पूरी मेनली कहानी चलेगी और बहुत ही बढ़िया ढंग से दिखाया जाने वाला है। ट्रेलर देख के तो बिल्कुल यही समझ में आ रहा है पूरी तरीके से। ट्रेलर 2 बहुत ही धमाकेदार है, एक्शन वगैरह भी बहुत अच्छे देखने को मिल रहे हैं, फाइट एक्शन सीक्वेंसेस भी बहुत बढ़िया देखने को। मुझे पर्सनली लगता है कि लास्ट वाला जो एक्शन सीक्वेंस होगा, वो रावण वाला जो पूरा युद्ध होता है वो बहुत ही लंबा एक्शन सीक्वेंस, उसको काफ़ी लंबा डिज़ाइन किया होगा। मुझे लगता है मिनिमम वो आधे घंटे, तो मुझे लगता है आधे घंटे से ऊपर ही मुझे लगता है वो चलेगा। जिस प्रकार से हमने हॉलीवुड के एवेंजर्स एंड गेम में देखा था कि लास्ट का अगर आप एक्शन सीक्वेंस देखें तो वो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 1 घंटे चला था, उसी हिसाब से अगर आप देखें तो मुझे लगता है इसके अंदर ये भी फिल्म बड़ी तो होने ही वाली है और मेरे ख्याल से 30-40 मिनट लास्ट का ही एक्शन सीक्वेंसेस पूरा चलने को मिलेगा VFX के साथ में, तो मज़ा आ जाने वाला ऑडियंस को। ट्रेलर 2 धमाकेदार रिकॉर्ड बनाएगी फिल्म।